शर्मा जी कैसे हो? बस गांव छोड़कर चले आए, इसी बात की दुख है। अरे धंधा तो फल फूल रहा है, लेकिन क्या करे, यहाँ मन नहीं लगता है अपना तो क्या। अरे अब रहने दीजिए शर्मा जी, गांव वालों के सामने तुमने क्या बोला था कि तुम मेरे हाथ से मिठाई भेजोगे, अब क्या हुआ, अब क्यों नहीं भेजा? अरे बेटा भूल गया, गलत मत समझना, जाते समय ठीक है, मिठाई बाद में भेज देना, पहले कुछ खिलाओ मुझे, पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं। अरे चटाई। चौधरी साहब नमस्कार। भगवान कैसे हो? नमस्ते। ये आपका साला शेखर है ना, इसे चटाई करके क्यों बुला रहे हो? अरे ये मेरा पूरा धंधा चौपट करने आया है, पता नहीं मुझे कब चटाई पे लिटा दे, इसलिए मैंने इसका नाम चटाई रख दिया है। कराटे का दीवाना है ये। या करना बंद करो, भगवान को अंदर ले जाकर नाश्ता करा, लेके जा। आइए चौधरी साहब इधर बैठिए। हां नहीं दीजिए। अरे कैसी बात कर रहे हैं, ये कुर्सी आपकी वजह से मिली है मुझे, आप इसमें बैठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है ठीक है। हाँ बैठिए। देखिए भगवान को शहर लेकर आ रहे हैं, मुझे लेटर लेकर बता तो देते, उसे शहर दिखाने लाए हैं क्या? उसको शहर दिखाने नहीं, इलाज कराने के लिए लाया हूँ, बस उसे ऐसे ही कहा था कि शहर दिखाने ले चल रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा दूंगा शहर, बस मुझे तो उसी की चिंता लगी रहती है, पता नहीं क्या होने वाला है। नहीं नहीं, नहीं, नहीं आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। स्टॉप इट। बस चौधरी साहब आज शाम को मेरे क्लिनिक पर आ जाइए, वहां से रिपोर्ट ले लीजिए। ठीक है। अरे भगवान, अरे ये कहाँ गया? अरे तो नीचे क्यों सो रहा है? नीचे से सोकर देखने में बिल्डिंग कितनी अच्छी दिख रही है। आ जाओ जाओ, तुम भी देखो। चुपचाप खड़े हो जा। जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे अरे बाप रे बाप, कितने बड़े बड़े घर हैं। अरे दादा हाँ, इन घरों को कैसे बनाए होंगे? अपने गांव के जैसे। हाँ। एक परिवार एक घर में रहते हैं, यहाँ बहुत सारे परिवार एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। बाप रे। हाँ मैं समझ गया दादाजी इसको कैसे बनाए होंगे। अच्छा तू समझ गया, कैसे बनाए होंगे बता। इसको ना पहले नीचे बनाए होंगे, फिर हाँ? खड़ा कर दिए होंगे। हाँ ठीक है, अब चलें क्या? आप भी दादाजी। अरे दादाजी डॉक्टर इतनी छोटी जेल में रहते हैं? पागल, डॉक्टर साहब यहाँ नहीं रहते, इसे शहर में लिफ्ट कहते हैं। लिफ्ट में घुसो, लिफ्ट अपने आप ऊपर चलने लगती है। हाँ, क्यों झूठ बोलते हो, ये ऊपर क्यों लेके जाएगी, ये कोई प्लेन है क्या? अरे दिमाग खराब मत कर मेरा, आपको कुछ भी नहीं पता। माफ कर दीजिए, इसे कुछ भी पता नहीं। सर क्या बात है, परेशान हो? ठीक है सर। चौधरी साहब कौन है? मेरे दादाजी हैं। रुकना, मैं ही आपको डॉक्टर साहब अंदर बुला रहे हैं। हाँ, यहीं पर बैठना, तुम्हें कहीं आने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, समझा ना? हाँ ठीक है। नमस्कार डॉक्टर साहब।
नमस्कार, आइए चौधरी साहब बैठिए। भगवान का बचपन का और अभी का रिपोर्ट देखा, दोनों में काफी अंतर है। ब्रेन के कुछ पार्ट्स उसकी उम्र के मुताबिक है और कुछ पार्ट्स अभी भी बच्चों जैसा ही है, इसीलिए इनको नॉर्मल होने में 3-4 साल लग जाएंगे। बस बचपना ही उसके अंदर ज्यादा भरा है डॉक्टर साहब, जैसे वो शादी का नाम सुनते ही चिढ़ जाता है। क्या इसकी हालत में सुधार नहीं आ सकती? जरूर आ सकती है। उसके माँ बाप ने शादी करने के बाद उसे पैदा करके छोड़ दिया और ये बात उसके दिमाग में बस गया, उसका पैदा होने की वजह है शादी। वो सोचता है उसकी हालत, शादी के बारे में उसका जो विचार है वो कभी जा नहीं सकता डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, जरूर जा सकता है, ये फिक्सेशन जरूर जा सकता है। इसके लिए मेंटल मैच्योरिटी आना बहुत जरूरी है। जैसे उसकी जिंदगी में कोई ऐसी घटना घट जाए जो इसके साथ रिलेटेड है, ऐसा कुछ हो जाए तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा। फनी कैरेक्टर। अंदर चलो, भाई साहब यहाँ एक लड़का था, किधर गया? आप जैसे अंदर गए यहाँ से बाहर चला गया। चला गया? हाँ। इसको बदलना मेरे बस की बात नहीं। अरे कहाँ से चले आते? भाई साहब एक लाल रंग का चेक शर्ट पहना हुआ लड़का देखा है आपने? मैंने तो नहीं देखा। नहीं देखा? हाँ। ये क्या, सभी घर एक जैसे लगते हैं। डॉक्टर साहब का घर कौन सा है? हाँ यही होगा। कौन? मेरे दादाजी है क्या? हाँ अंदर आओ, हम लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। बैठो। इधर नहीं, उधर बैठिए। लड़का तो काफी खाते पीते घर का दिखता है। दिखने में भी अच्छा है, शरीर भी अच्छा है। बेटा सफर तो अच्छा रहा ना? सफर अच्छा था, वो लिफ्ट का खेल तो कमाल का था। मेरे दादाजी गुस्से में होंगे ये सोचकर मैं जल्दी आ गया। स्वीट खाओ बेटा। हाँ खाऊंगा, इसमें शर्माने की क्या बात है, खाने से तो जान बनती है। अरे ये तो दिखने में अच्छा नहीं, खाने में भी अच्छा है। अरे खाली शरीर ही फुला नहीं है, मेरी तरह दबाकर खाता भी है। पता ही है मेरे दादाजी को कितना पसंद है। मेरे दादाजी कहाँ है? आते ही होंगे बेटा, तुम खाओ ना। अरे बुढ़ा आने से पहले लड़की को क्यों नहीं दिखा देते? क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? बिल्कुल सही। बेटा तुम्हें लड़की को दिखा दूं? अरे सुनो, लड़की को लेकर आओ। बेटा लड़की को देखो। कैसी है बेटा, आपको पसंद आई? ये तो एकदम काली देवी जैसी दिखती है। अरे अरे अरे, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ट्रैफिक में फंस गया था इसलिए मुझे आने में देर हो गई। शानी पकड़ने से पहले हमने लड़की दिखा दी आपके पोते को। अरे मेरा पोता कहाँ से आ गया यार, वो तो आ ही नहीं सकता, इसलिए तो बताने आया हूँ मैं ये यहाँ पे। ये कौन है, तुम्हारा पोता नहीं है? ये मेरा पोता नहीं है। छी, ये मेरे दादाजी नहीं है। पर मेरी बेटी को तो देख लिया। अरे मेरे पोते को जिसने देखना था उसे तुझे देखने की हिम्मत कैसे हुई है, मुझे बता। ज्यादा बोलना नहीं, एक मारूंगा तो थोड़ा भी गल जाएगा। मुझे बुलाए तो मैं आया, खाओ बोले तो खाया, देखो बोले तो देखा, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। चलो अभी बाहर चलो। मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ टूट गया तो तू यहाँ से उठ नहीं पाएगा, समझ गया? भाई साहब गलती हमारी है, आपकी कोई गलती नहीं, आप प्लीज जाएंगे यहाँ से। समझा दो इसे। अरे बाप रे, ये कहाँ से मिल गया आज? छी, ये शहर के लोग कैसे होते हैं, घर पे बुला के बेइज्जती करते हैं। ये डॉक्टर का कमरा कहाँ है? आंटी, तो
आंटी? आप कुछ बोलती क्यों नहीं आंटी? गौरी की तबीयत कैसी है आंटी अब? तुम? हाँ, मजे के लिए मैंने जरा सा हाथ लगाया तो तुमने चप्पल से मारा। अब मैं तुम्हारे साथ रेप करूंगा, अब जो करना चाहो कर लो। पागलों जैसी बात की है ना, तो पिताजी को बोलकर जेल भिजवा दूंगी। अच्छा, पिताजी तेरे पैसे? जेल से निकालने के लिए मेरे पास भी पिताजी है। देखो मेरे करीब बताना, मुझे छुआना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अच्छा, तो ये काम तू अब जल्दी से कर ले। अरे डॉक्टर साहब का कमरा ही नहीं मिल रहा है, बाप रे दादाजी कितना परेशान हो रहे होंगे। हाँ इधर कुछ लिखा हुआ है, हाँ यही होगा डॉक्टर का कमरा। हाँ कुछ गड़बड़ हो जाएगी, एक काम करता हूँ, हाँ सिक्का उछाल कर देखता हूँ पहले। अरे 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 कौन हो तुम, अंदर घुसे जा रहे हो? मेरा सिक्का यहाँ पर आया है और मैं अपना सिक्का लिए बिना कैसे जा सकता हूँ? सिक्का इक्का कुछ नहीं, चल निकल यहाँ से। मेरी कॉलर पकड़ता है, एक मारूंगा तो थोड़ा भी कट जाएगा। हट, देखिए ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती करे, प्लीज इनसे मुझे बचाइए। अरे अरे ये क्या, गधे के जैसे नजर आते हो, इस तरह लड़की को क्यों सता रहे हो? इसे छोड़ दो रे। कौन है बे तू? बेबे कहकर मेरे से बात मत करना, मेरा नाम भगवान है। छोड़ दो इस लड़की को। नहीं छोड़ेगा तो क्या करेगा? तुम्हें मेरे बारे में नहीं मालूम है, अगर मेरी हट जाती है ना तो अच्छा नहीं होता, तकदीर बदल के रख दूंगा तुम्हारी। क्यों रे, तकदीर बदलेगा तू मेरी? चल बदल। हाथ मत लगा। बदल, बोला ना हाथ मत लगा मुझे। तेरी तो ऐसी भगवान 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 हेलो पुलिस स्टेशन। बोला था ना गलत मत करो, बत्ती से निकल गई तेरी, ये दांत गिरने की उम्र है तेरी, हट्टा कट्टा रखा है। काम कर, नकली लगवा ले। अरे बाप रे ये क्या, मेरा सिक्का कहाँ गया? हटो, क्या हो गया? हटो, क्या हो गया? क्या हो गया? जबरदस्ती कर रहे, मेरा सिक्का तो मिल गया मुझे, इस लड़के ने बचाया। चलो यहाँ से, चलो लेके जाओ। पकड़ लिया। अरे दादाजी हम लोग वहाँ ऊपर गए थे ना, वो क्या नाम है उसका, हाँ लिफ्ट, लिफ्ट। मुंह बंद कर, तुझे यहाँ नहीं, घर जाने के बाद बताऊंगा। अरे चेक शर्ट वाला एक लड़का यहाँ से गया, तुम लोगों ने देखा? हाँ, जिसने कुमकुम लगाया था। हाँ, हाँ, वही। हाँ, उसे एक बुड्ढा भी लेके गया है। इधर? हाँ इस तरफ। हाँ क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाना है भाई साहब? स्टेशन जाना है, हमें स्टेशन छोड़ दो। स्टेशन जा रहे हो, क्या शहर नहीं दिखाओगे मुझे? नहीं, नाटक करता है, तुझे शहर दिखाऊंगा। चल बैठ। बैठता है कि नहीं? नहीं बैठूंगा, मुझे शहर दे। नहीं बैठता तो फिर समझ लेना। बोला ना मुझे शहर दे। आखिरी बार बोल रहा हूँ, बैठता है कि नहीं? मुझे शहर देखना है। आगे तेरी किस्मत, जहन्नुम में जा भाई तू। चल अबे कालिया, अगर गाड़ी यहाँ से हिली ना तो थोबड़ा भी गाड़ दूंगा। तू गाड़ी चला। ए,
मुझे नीचे उतार दो, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। भगवान गाड़ी को नीचे तो उतार, उतार दो, उतार दो। मुझे शहर दिखाओगे ना? दिखाऊंगा, पहले गाड़ी को नीचे तो उतार। साहब मैं आप लोगों का हाथ जोड़ता हूँ, मेरा एक ही एकलौती ऑटो है, आप दूसरा ऑटो देख लीजिए। अरे बाप रे, हे भगवान। तेरी हरकत अब बढ़ती जा रही है, अब तो गांव चल, अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। देखता हूँ तुझे, दुर्गा से बोलकर तुम्हें मार नहीं खिलवाया तो फिर बोलना, समझे? गांव जाने के बाद मार खिलवा देना, पहले शहर दिखा दो मुझे। जरा भी शर्म नहीं है। दादाजी दादाजी, शहर दिखा दो ना मुझे। आप कैसे इंसान हो? आपने मेरी इतनी मदद की और आपने मुझे थैंक्स कहने का मौका भी नहीं दिया और आप इस तरह से चले आए। ना मेरे दादाजी खींच कर मुझे यहाँ पर लेकर आ गए। नमस्ते दादाजी। नमस्ते। और मुझ पर ऐसा गुस्सा कर रहे हैं जैसे मैंने वहाँ पर कोई गलती किया था। क्या मैंने वहाँ कोई गलती किया था? बताओ। अरे अरे, इन्होंने कोई गलती नहीं की। अगर आज भगवान नहीं रहता तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। आत्महत्या करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचता। अब बताओ, अब मुझे शेर दिखाओगे ना? अरे बाबा, दूसरी बार आऊंगा तो दिखा दूंगा, अभी बहुत काम। पहली बार आया था तो इतना सा था, दूसरी बार आया तो इतना बड़ा हूँ, अगर बाद में कभी आया तो आपकी जैसे हो जाऊंगा। शेर दिखाओ मुझे, दिखाओ ना। अच्छा, आप कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं? हम लोग राजधानी एक्सप्रेस से जा रहे हैं। अगर आप लोगों का एतराज न हो तो मैं भगवान भगवान को मैं शहर दिखा दूंगी। सच में? एक मिनट सुनो बेटी, तू इसके बारे में जानती नहीं, इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें करता है, तू इससे तंग हो जाएगी। इन्होंने मेरी इज्जत बचाकर मेरी मदद की तो क्या मैं इनके लिए इतनी तकलीफ नहीं उठा सकती? मान जाइए प्लीज। दया करके मेरी बात सुनिए, इस बार मैं अपनी जुबान से नहीं पलटूंगा, मैंने राजनीति का जन्म यहाँ से लिया है, इतने सालों में मुझे आदर करके आप लोगों ने मुझे जिताया, इस बार सहयोग देकर मुझे जिताइए, मैं जो भी बोला वो सब करूंगा। आपकी बातों पर विश्वास कर तुम्हें कोई। रामेश्वर जी, यही बात कहते हुए आपने 15 साल में 3 बार यहाँ से इलेक्शन जीता है, तुमने जो कुछ भी बोला कम से कम एक भी वादा तो पूरा किया होता। अगर तुमने एक भी वादा पूरा किया होता तो ये लोग तुम्हारे बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचते। मैं अपनी गलती मानता हूँ, इस बार मुझ पे विश्वास कीजिए। कल तक मैं सिर्फ एक एमएलए था, अगर ये इलेक्शन जीत गया तो मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा और मिनिस्टर बनते ही अपना किया हुआ हर वादा मैं पूरा करूंगा। आप लोगों की बातों पर भरोसा मत कीजिए, ये हरे झंडे वालों को कोई विश्वास नहीं करेगा। वोट जीतते ही जो प्रजा की बातें भूल जा सके। तुम लोग मेरी बात तो सुनो। रे एक मारूंगा ना तो थोपड़ा बिगड़ जाएगा। चौधरी साहब बोल रहे थे, तू बीच में क्या बक रहा है? मुंह बंद कर अपना। देखो तामेश्वर, आज बाजू के 15 गांव वाले मेरी जुबान पर भरोसा करके तुझे कई बार जिताया, अब मैं फिर से उन्हें ये कभी नहीं कहूंगा, नहीं तो मेरे पर जो भरोसा है वो भी टूट जाएगा। चौधरी साहब, इस बार मुझ पर भरोसा कीजिए। देखा ना तुमने लोगों की राय, तुम पर से विश्वास उन लोगों का क्या, अब मेरा भी विश्वास हट गया है, अब यहाँ पर गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा, इधर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप यहाँ से जल्दी चले। वो बात नहीं है चौधरी साहब, जीजाजी जो बोल रहे हैं वो एक बार। ए, दादाजी ने क्या बोला सुना नहीं क्या कि फिर मैं अलग से बोलूं? आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। चौधरी साहब, आपने इस बार के इलेक्शन में तमेश्वर के सर से हाथ हटा दिया, आपने बहुत अच्छा किया, अब वो हाथ मेरे सर पे रख दीजिए, मैं जरूर जीत जाऊंगा, इस गांव का नक्शा ही बदल दूंगा। शमशान की तरह? अरे नहीं, वृंदावन की तरह बदल देगा। अगर आप मेरे पिताजी को जिता दे तो चौधरी साहब आपकी मूंछों की और आपकी चप्पलों की और आपके शरीर के कपड़ों की सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। चल जा। ए, चल उठा। थैंक्स। तुम्हें पता है परमेश्वर को क्यों धक्का मार कर निकाला? हाँ, मुझे पता है, वो बेकार का आदमी, मैं उसको जानता हूँ, वो बहुत ही थर्ड क्लास का आदमी है, इसलिए तुम लोग भी उससे कम नहीं हो। चलो जाओ यहाँ से। थैंक्स। चलो यहाँ से। तुम लोगों ने सुना नहीं क्या? तुम लोगों को एक बार बोले में समझ में नहीं आती है? एक मारूंगा तो थोड़ा भी मिलेगा, कुछ नहीं निकाल पाओगे। हम तुम्हें वो चांस क्यों देंगे, हम खुद ही चले जाएंगे, समझे? निंदिया तू आजा, तू निंदिया तू आजा। दादाजी दादाजी, क्या मैं देख रहा था आप सो गए क्या? अरे मैं तो सो गया था, फिर क्यों जगाया मुझे? आप सो गए, मुझे कैसे पता चलेगा? ठीक है, ठीक है, जगाऊंगा, अब नहीं जगाऊंगा, सो जाओ। अब कौन है? वही तमेश्वर है दादाजी, जाकर दूं क्या उसे? एक मारूंगा तो थोपड़ा बिगड़ जाएगा। बस
मारने की बात करता है, क्यों आया क्या पता। तुम लोग यहीं ठहरो। हाँ। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्ते। अब क्यों आया यहाँ पर? आपसे बात करने के लिए। अब क्या बात करनी है? मैंने फैसला परसों ही सुना दिया था ना। उस विषय में नहीं, दूसरे विषय में बात करने आया हूं। आप मुझे अगर 5 मिनट दे दे तो मैं आपको सब कुछ खुलकर बताता हूँ। दादाजी को कुछ भी नहीं सुनने का है, बस उस दिन तुम्हें समझाया था, समझ भी नहीं आया क्या? एक मारू हे भगवान। रमैया, मेरी बेटी रमैया। बेटी रमैया, ये चौधरी साहब हैं, ये गांव के बड़े हैं, गांव के सभी लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं, इनके जुबान पर जान दे देते हैं। नमस्ते। ये इनका पोता भगवान और वो उनकी पोती रानी। हेलो चौधरी साहब, मेरी बेटी पलाई नहीं है, ये इस गांव की बेटी लक्ष्मी की बेटी है। अगर जिंदा होती तो अपनी बेटी को खुद लाकर आपसे मिला देती, वो हमारे किस्मत में नहीं है। रमैया, मैं चौधरी साहब से कुछ बातें कर लूं, तब तक तुम गाड़ी में जाकर बैठो। रुको बेटी, कार में जाने क्या जरूरत है? दुर्गा हाँ, बेटी को अंदर ले जा। जी मालिक। आओ बेटी, आओ बेटी। ए भगवान। हाँ। ए कुर्सी धर डालो। तमेश्वर आओ बैठो, बैठो। चौधरी साहब, आज तक मैंने जो भी कमाया वो अपनी इकलौती बेटी के लिए, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी को आपके गांव के हवाले करके जा रहा हूं, इसका ख्याल रखना आप। क्या बोल रहे हो, जरा डिटेल में समझाओ। चौधरी साहब, इस बार मुझे जिता दीजिए, मैंने जो इन गांव वालों से वादा किया है वो मैं निभाऊंगा। इस गांव के लिए कुछ कर पाया तभी मैं अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगा। अगर मैं अपने जुबान से पलटा तो मेरी बेटी कभी मुझे वापस नहीं देना। आप जो चाहे कर लेना, अगर आपको चाहिए तो ये बात मैं लिखकर, मुझ पर विश्वास कीजिए। ये सब क्या है चौधरी साहब, मैं बिल्कुल बदल गया हूँ, यही विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नजर नहीं आया। ठीक है, चलो तुम में बदलाव आया है ये मैं विश्वास कर लेता हूँ। इतनी सी बात के लिए अपनी बेटी को यहां रखने की कोई जरूरत नहीं है। पर गांव वालों को आपने ही तो वोट देने से मना किया है, उनको भी तो भरोसा होना चाहिए ना। आपकी जुबान खराब नहीं होना चाहिए, उसे यहीं रहने दीजिए, आपका मुझ पर एहसान होगा। भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। एक बात और, अब रमैया यहां रहकर गांव देखने के लिए कहा है, उसे पता नहीं होना चाहिए कि मैं उसे यहां आपके पास छोड़कर जा रहा हूं, वरना मुझे कभी माफ नहीं करेगी। आपसे ये मेरी आखिरी विनती है, कृपया करके आप उसे ये बात हरगिज नहीं बताइए। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, दादाजी ने बोल दिया था कोई पलटेगा नहीं, कोई पलटा तो थोपड़ा बिगाड़ दूंगा उसका, देखता हूं कौन क्या करता है। अरे डैडी, डैडी। कौन हो बेटा तुम? हाँ? अरे 30 साल से मेरी माँ के साथ जिंदगी बिता रहे हो, 29 साल का हूँ मैं तुम्हारा बेटा। क्या बेटा? अरे ये क्या हो गया? अरे आप ये क्या कह रहे हो? अरे मैं तो समझी नहीं। कौन है आप माताजी? अरे ये सब क्या जी? ये फोटो वहाँ पर किसने लगाई? मालिक मैंने नहीं लगाया, बड़े मालिक ने खुद लगाया। माँ जाकर उस फोटो को पलटो, जल्दी पलटो। क्या हुआ? अरे अनर्थ हो गया समझे? मतलब? अरे अनर्थ हो गया अपने गांव में। वो तमेश्वर को गांव वालों ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया और हमने ये सोचा कि वो गांव में कदम नहीं रखेगा, इसलिए हम चौधरी के पास गए, उसने हमें निकाल दिया। और हमने यही सोचा था कि हम स्वतंत्र होकर ही इलेक्शन जीत सकते हैं। हाँ सोचा, अब वो भी मिट्टी में मिल गया। तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सुनो, मेरे दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया है, बेटी से ज्यादा सेंटीमेंट माँ होती है। बेटी से ज्यादा सेंटीमेंट माँ के अंदर होता है ना? यू डोंट वरी डैडी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो क्या? बेटी का सेंटीमेंट और माँ का सेंटीमेंट दोनों में अंतर होता है। डेफिनेटली। इसलिए माँ को गिरवी रख देता हूँ और वोट मांगता हूँ। हाँ, माँ के वोट से ही हम लोग जीत सकते हैं। कैसा रहा मेरा आइडिया? एकदम फर्स्ट क्लास है बेटा। तेरे बाप के साथ घर बसा कि पूरे गांव वालों के साथ घर बसाऊं? चलो चलो बेटा। मटक मटक के जा रही है, तू छोड़ अपनी माँ को, अंदर जा, जा अंदर, जा अंदर, जा अंदर, जा। ये क्या है?
अरे कोई भी सेंटीमेंट नहीं रहेगा तो कोई भी हमें वोट नहीं डालेगा, समझ गए तुम? डालेंगे, जरूर डालेंगे, डालते रहेंगे। ये क्या कर रहे हो? अरे इतना मारकर अपने दूसरे हाथ को क्यों तोड़ रहे हो? कोई आइडिया बताओ ना। इधर उधर समुंदर, मतलब वेट एंड सी। आंटी, हाँ भगवान कहाँ है? खेतों में गया है बेटी, आ जाएगा। उससे तुझे कुछ काम था, ऐसे क्यों पुकार रही हो बेटी? फिर कैसे पुकारूं? आप ही कुछ बताइए ना। माँ कहकर पुकार सकती हो, मेरी कोई बेटी नहीं है, तुम्हें अपनी बेटी समझ लूंगी। चाची, मैं रमैया को कैसे पुकारूं? कुछ भी कहकर पुकारो। वो क्या है ना, अगर मेरा कोई अपना भाई होता ना तो मैं इसे भाभी कह के पुकारती। अरे कैसी बात करती है रानी, मैं हूं ना तेरा भाई। मुंह बंद कर अपना, क्या बात करनी है तुझे, जरा भी पता नहीं। सब पता है मुझे, जब देखो जब डांटती रहती हो। बेटी उसकी बातों का बुरा मत। कोई बात नहीं, हाथों में क्या लगाया है? कलर है ना? नहीं मेहंदी लगाई। अरे आप तो बिल्कुल नादान बन गई, मेहंदी क्या होती है आपको पता नहीं? आप मेहंदी लगाएंगी ना तो आपके हाथ एकदम लाल हो जाएंगे। रमैया जितना मेहंदी लाल होता है उतना अच्छा पति मिलता है। ये हुई ना बात। रानी रानी मुझे भी लगाओ ना मेहंदी। अरे अरे मैं कैसे लगाऊं, मेरे हाथों में तो खुद मेहंदी लगी है ना, तो फिर क्या करें? आप क्यों फिक्र करती है, मैं लगा देता हूँ आपको। आइए आइए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। अरे पल्लू फिसल गया। अरे कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देता हूँ। अभी तूफान भी आएगा तो नहीं उड़ेगा। हाँ लाओ, हाथ लाओ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। किस लिए, मैंने क्या किया? बहुत हिलती हो, आप बिल्कुल बताओ। अरे अरे क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है क्या? कुछ नहीं माँ, मेहंदी लगाने के लिए कहा और मैं हिलने लगी तो इसने मुझे बांध दिया। तुझे मेहंदी लगाने के लिए यही पागल किया था? और ये क्या मेहंदी लगाएगा? तुम बीच में मत बोलो, तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। हाँ मैं लगाता हूँ, तुम हाथ बढ़ाओ यहाँ। अरे डांस क्यों कर रही हो? खटमल काट रहा है। कहाँ पर? यहाँ पे। मैं खुजला दूँ? यहाँ पर, यहाँ ऊपर, इधर और ऊपर, इधर 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 इधर। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, बस ना। हाँ लाओ, हाथ लाओ। ये तुम्हारे लिए आ आ, और ये तुम्हारे लिए आ आ। दुर्गा जी, ये भगवान दोनों को क्यों खिला रहा है? मना करने पर भी दोनों को जबरदस्ती मेहंदी लगा दी उसने। पागल कहीं का। अरे भगवान जी, दादाजी कल है ना, रामिया को ले जाकर अपना पूरा खेत दिखा देना। दादाजी कल सुबह होते ही मैं इसे ले जाऊंगा। भगवान स्टीमर। हाँ ये छोटा जहाज है स्टीमर, ये बहुत बड़ा होता है, अगर ये एक कदम चलेगी ना तो वो 100 कदम चलेगा। हाँ अच्छा? उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं और उसमें बैठकर हम दूसरे गांव में भी जा सकते हैं। अच्छा? हाँ डैडी एक आइडिया, हर एक औरत को साड़ी, हर एक आदमी को कुर्ता, सबको कुछ ना कुछ दे देते हैं। तेरी माँ के हाथ में डंडा भी दे डाल जो तुझे मारे, समझ गया? बेटा अगर इस तरह से मैं सब कुछ बांटता रहूंगा ना तो फिर असेंबली के अंदर नहीं बैठूंगा और असेंबली के बाहर बैठकर माताजी, बाबूजी, बाबूजी इस तरह कहना पड़ेगा। इस तरह का बोरिंग आइडिया मत दिया कर मुझे, मेरे ऊपर छोड़ दे। हाँ, हाँ, आपका दिमाग तो बिल्कुल खाली है, आपके दिमाग में कहाँ से आइडिया आएगा? अबे झंडू कहीं के, मेरे दिमाग में तो आइडिया आते ही रहते हैं, देखना हंसते हुए आइडिया डालूंगा कि परमेश्वर जिंदगी भर रोता रहेगा। हाँ तो फिर हंसते हुए आइडिया क्यों नहीं डालते हो? तू भोरन गिरी को, चिंटू को, मिंटू को, टीलू को ले जाकर परमेश्वर की बेटी को कहीं से भी ढूंढ कर उसे उधर ही कट कर डाल और फिर उस परमेश्वर को तब पता चलेगा। अरे मेरे समझदार डैडी, उसकी बेटी मर जाएगी, गांव वाले सारे वोट तामेश्वर को देंगे, हमें क्यों देंगे? हाँ इसको ही छोटा दिमाग कहते हैं मेरे पागल बेटे। परमेश्वर की एक ही बेटी है ना? हाँ, अगर एक ही बेटी है तो मैं उसको ऊपर भिजवा दूँ तो अगर उसकी बेटी मर जाएगी तो वो ये सोचेगा कि गांव वाले गुस्से में आकर उसकी बेटी को जान से मार डाले और वो पुलिस को बुलाएगा और पुलिस आकर पूरे गांव वालों पे लाठी चार्ज करेगी, तब गांव वालों को पता चलेगा कि ये सारा किया कराया किसका है।
तब गांव वाले वोट हमें डालेंगे। दिमाग है आपका, क्या खोपड़ी है आपकी, फिर क्या क्या दिमाग लगाया आपने? ठीक कहा, देरी का काम शैतान का होता है, तू जल्दी जाकर कर। हाथ कैसा स्लिप हो गया, प्लान सफल होगा क्या? वो दोनों लोग यहाँ पर नाव पर आएंगे, आते ही हमला कर डाला, जो होगा देख लेंगे, चलो छुप जाओ यहाँ पर। हाँ देखो वहाँ पर एक और बोट है, देखो। हाँ भगवान, क्या रे, बोट तो चारों तरफ लगा दिया, गोदावरी में खेल खेलने आए क्या? तुम्हें कोई एतराज है? रामिया, भगवान जिसको हम लोग मारने गए थे वो तो हमारे सामने दूसरों को मार रहा था। दूसरों को मारा? हाँ, भगवान ने बचाया। अगर वही मार हमको लगती है हमारे शरीर की सारी हड्डियां टूट जाती। क्यों रे? हाँ, हाँ, हाँ। कुछ समझ में आया? अब आइडिया मत देना। मतलब वो लड़की का हमारे अलावा और कोई भी दुश्मन है और वो हमसे भी ज्यादा पावरफुल है। कम ऑन, ले लो। नहीं सर, काम तो हुआ नहीं ना मालिक। जाने दो, तुमने अपनी कोशिश की ना, काम होगा या नहीं होगा वो हमारे हाथ में थोड़े ना है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कीप इट। जो कुछ भी हुआ वो समझ लो हमारे अच्छाई के लिए ही हुआ। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती। पिता जी, आप कहें तो इसके मुंह पे ऐसी चढ़क के इसको मार दूं मैं। जाने दे रहे, उसको कुछ मत कर। फ्लैट में रहते हैं आप, प्लेटफॉर्म में रहने वालों की तरह, इसके लिए आप इतना डरते हो? मुझे बताइए, वो है ना मेरा ब्लैक कंप्यूटर है, उसके दिमाग के अंदर मेरे काले धंधे के सारे हिसाब हैं, जो कभी इनकम टैक्स वालों को नहीं मिलेगा, एनफोर्समेंट वालों को नहीं मिलेगा।
पर जीजाजी ये तो गाना गा गा कर हम लोगों को जान से ही मार डालेगा। अरे जिंदगी में बड़ा बनना है तो कुछ चीजों को सहन करना पड़ता है। मुझे पता है अभी वो लोग रमैया को मारकर नहीं आया, मुझे गुस्सा आया लेकिन कोई पनिशमेंट नहीं दिया, कैश देकर भी। मुझे एक बहुत बड़ा डाउट है। क्या रे? वो रमैया को आपने अपनी बेटी बताकर यकीन क्यों दिलाया और उसके बाद उसको वहां पर छोड़कर भी आ गए? गुंडे लोगों को भिजवाकर उसे मारने के लिए आपने क्यों कहा? इन सब बातों का आपस में क्या कनेक्शन है बताइए। अरे रमैया मेरी बेटी नहीं है, किसने कहा? कैसी बातें कर रहे हैं? माधवी तो सिर्फ आपकी इकलौती बेटी है। नहीं, रमैया माधवी से पहले पैदा हुई है, पर तेरी बहन से नहीं। हाँ? वक्त अच्छा आता है तो इंसान सामने से चल कर आता है। मेरा भी टाइम अच्छा आया है और वो खुद चल कर आई। नमस्ते सर। कौन हो तुम? मेरा नाम रमैया। क्या मुझसे कोई सहायता चाहिए तुमको? हाँ जी। बोलो, मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें मदद करने की। अगर आपसे नहीं होगा तो भी करना पड़ेगा। आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटी। आपको मानना होगा कि आप मेरे पिताजी हैं। अरे हाँ क्यों नहीं, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी हो। सिर्फ बेटी जैसी नहीं हूँ, आपकी बेटी ही हूँ मैं। मेरे रगों में आपका खून दौड़ रहा है। What nonsense you are talking? बिल्कुल नहीं, आपने जो नॉनसेंस किया है ना उसी से पैदा हुई हूँ मैं महालक्ष्मी की बेटी हूँ। महालक्ष्मी की बेटी हो? हाँ, ये देखिए, आपने और मम्मी ने जब चोरी से मंदिर में शादी की थी उस वक्त का फोटो। अब आप ये पूछ सकते हैं कि मैं इतने दिनों तक कहाँ थी। माँ ने मरते वक्त आपके बारे में सब कुछ बता दिया। तो कितना पैसा चाहिए तुम्हें? आपकी पाप की कमाई से मुझे एक कौड़ी भी नहीं चाहिए सर। मैं आपकी जायदाद या आपका ये ओहदा या आपकी बेटी होने का हक मांगने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। फिर किस लिए आई हो? मेरे एक पिता भी हैं जो मेरे माँ के पति भी कहलाते हैं, मैं ये दुनिया वालों को बताना चाहती हूँ। अगर मैं ना मानूँ तो? मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप नहीं मानेंगे। मेरे पास सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई और सबूत हैं सर। उन्हें कैसे बाहर लाना है और समाज में आपका नकाब कैसे उतारना है मैं जानती हूँ। चलती हूँ। ठहरो बेटी, मुझे सबूत वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हारा पिता हूँ ये कबूल करता हूँ। ये बात आप मेरे सामने नहीं 10 लोगों के सामने कबूल। मैं मान लूंगा, मेरी भी मजबूरी समझो, कुछ ही दिनों में इलेक्शन होने वाली है। शादी से पहले मेरा किसी और के साथ कोई संबंध था, अगर ये पता चला तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, मुझ पर उंगलियां उठाएंगे और मेरे पॉलिटिकल कैरियर में रुकावटें आएंगी। देखो बेटी, तुम इस तरह से मेरे पॉलिटिकल कैरियर को खत्म मत करो। सुनो बेटी, मुझे 10 दिन का टाइम दे दो, जिस गांव में तुम्हारी माँ ने जन्म लिया था उसी गांव में जाकर ये कहूंगा कि तुम मेरी बेटी हो। वाह जीजा जी, आप पॉलिटिशियन ही नहीं, आपके अंदर तो एक और कला भी है। क्या दिमाग है, क्या आइडिया है, कमाल कर दिया आपने तो। सारे वोट गिनने के बाद प्रजापति परमेश्वर जी चौथी बार जीते। परमेश्वर जी के विरोधी गजानन 2,24,000 वोटों से हार गए और ये परमेश्वर जी के वोटों से जीतने का नया रिकॉर्ड है। और गजानन जी के हारने के बावजूद भी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया, पूरे राज्य में सबसे कम वोट उन्हीं को मिले हैं। परमेश्वर जी के ज्यादा वोट जीतने से राजधानी में ये बात चल रही है, एक युवा नेता भारी बहुमत से जीत करके विधानसभा में आया है, इसलिए उनको जल्द से जल्द मंत्री पद दिया जाए। कमाल क्यों हो तुम दोनों बाप बेटे, अभी तक रो रहे हो? ये इलेक्शन हार गए तो क्या हुआ? अरे अगली बार म्युनिसिपल पार्टी के इलेक्शन में खड़े हो जाना, तब जीत जाओगे। समझ में आई ना बात? चलो अभी खुश हो जाओ। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि इलेक्शन में मैं हार गया हूँ। डैडी, आप इलेक्शन में हार गए, इस बात का दुख है आपको? तुम्हें क्या पता, उससे भी बड़ा दुख है मुझे। कौन सा वो दुख जो आप रो रहे हैं? हमारे घर में 3 लोग और मुझे पूरे 2 वोट मिले। बोलो, तुम दोनों में से किसने मेरे साथ धोखा किया? कौन मेरे साथ द्रोह किया? किसने मेरे पीठ में छुरा मारा? बोल, तू या तू? इस इलेक्शन में मेरे साथ घर वालों ने धोखा किया, मेरे पीठ में छुरा मारा, पेट पे लात मारा, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया?
अब क्या करूं तुम ही मुझको बताओ, अब नहीं जीऊंगा मैं इस दुनिया में। डैडी सॉरी। किसने वोट नहीं डाला, तूने या तूने? मुझे स्वामी, मैंने जो ये मंगलसूत्र पहना है, मैं इसकी और अपने बेटे की कसम खा के कहती हूँ, मैंने अपना वोट आप ही को डाला था स्वामी। सच में? हाँ। थैंक्स। हाँ। हाँ? अरे मेरे खोखले बाप, जो तू कह रहा बिल्कुल ये गलत है। तुझे एमएलए बनाना मेरे जीवन का लक्ष्य है और तू मुझ पे इल्जाम लगा रहा है। आपने मुझे जन्म दिया, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूँ, मैंने त्रिशूल के अलावा और किसी पे वोट नहीं डाला। क्या? तूने त्रिशूल पे टप्पा मारा? हाँ। अबे हमारा निशान तलवार है। मतलब तुमने तलवार पर वोट लगाई? हाँ? अरे मेरे पागल बाप। हाँ। तलवार उनका निशान है, त्रिशूल हमारा। हाँ। निशान है। सच में? नहीं, सपना है। अरे मुझे तो उसी वक्त डाउट आया था, लेकिन अपना निशान क्या है? हाँ। अपना निशान कौन सा है, वही तो याद नहीं रहता। राजनीति में जाएंगे? अरे गांव में झाड़ू क्यों नहीं मारते? और क्या, रामेश्वर राय की जय, रामेश्वर राय की जय, रामेश्वर राय की जय, राय की जय, रामेश्वर राय की जय, रामेश्वर राय। देखा रे देखा, ये सब लोग को मेरा जय जयकार करना चाहिए था। आप चिंता मत करो, कर रहे हैं। मैं आपको एमएलए तो नहीं बना सका, लेकिन मैं उनका समधी बना दूंगा। इस तरह की जोक मत मारा कर, ये सब झूठ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सोलह आना सच है। परमेश्वर मंत्री बन जाएगा और मैं उसका दामाद, फिर तुम देखना मेरा कमाल। अबे चुप, शक्ल देखी अपनी, बेटी देगा और तेरे को लात से मारेगा। अरे तुम मेरे बाप हो, ये बात तुझे नहीं मुझे भी पता है, समझा? एक बात सुनो, अरे टाइम और मौका देख कर अकेले में उसका दूंगा, समझ गए? कर दूंगा, ये है मेरा मास्टर माइंड। रेप किया जैसा थ्रिल है, अब तूने मुझे यकीन दिला दिया कि तू मेरा बेटा है। मैंने भी तो तेरी माँ से ऐसी शादी की। सच में? और नहीं तो क्या, मेरा शिकल देखकर कोई लड़की देता? तू देर मत कर, जल्दी से रेप करके मेरा काम जल्दी से कर, मेरा बदला पूरा हो जाएगा। डैडी, अपने उल्टे हाथ से आशीर्वाद दो मुझे। जीते रहो, जग जीत जाओ। गधा कहीं का, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पैदा हुआ था। अरे पिताजी, आपने मुझे जो उल्टे हाथ से आशीर्वाद दिया, देखना मैं सफल हो जाऊंगा। ए हसीना तेरी क्या जवानी है, ए रमैया, ए हसीना तेरी क्या जवानी है, अरे जवानी है, अरे जवानी। मैं रमैया नहीं हूँ, नानी हूँ। अरे तू क्या समझती है, मैं थोड़ी पीली है तो मुझे पता नहीं चलेगा? तू कहेगी मैं रमैया नहीं हूँ, मैं मान लूंगा? मैं यहाँ पर आया हूँ और अपने बाप को समधी बनाने आया हूँ। छोड़ मुझे, छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे, समझता नहीं है क्या तू? You listen to me, first time raping, don't disturb me, please cooperate me, okay? तुमने मारा तो मुझे ऐसा लगा जैसे तेरे थप्पड़ से मुझे करंट लग गया। कहीं तू अपने आप को झांसी की रानी तो नहीं समझ रही है? अगर तू झांसी की रानी है तो मैं भी ब्रुसली हूँ, अब मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। भैया, 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 छोड़ो मुझे, छोड़, छोड़ो मुझे, भैया। तू हट जा, मैं इसे जान से मार दूंगा। भैया नहीं, भैया मर जाएगा। ए, ये कह रही है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, वरना तू नहीं तेरी लाश जाती यहाँ से। चल निकल। ठीक है, जाता हूँ। पंचायत में तुम्हारी शिकायत करके तुझे गधे में बिठाकर पूरा गांव नहीं घुमाया तो मेरा नाम भगवान नहीं। भैया ऐसा मत करना। क्यों? इनकी तो कोई इज्जत नहीं, अगर ये बात 10 लोगों के बीच में आई तो दादाजी की क्या हालत होगी। प्लीज भैया बोलो मत।
प्रॉमिस करो मुझसे कि बताओगे नहीं। मैं किसी को नहीं बोलूंगा, वादा करता हूँ। गांव वालों, गांव के वासियों, जिसके साथ अन्याय हुआ है क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ए, नाटक करना बंद करो और ये बताओ कि हुआ क्या है। तो सुनो, अरे मर गया, पता नहीं आज मैंने किसका चेहरा देख रखा था। कहे मैंने आपका तो नहीं चेहरा देख रखा था। पागल हो गया है, तुमने अपनी शक्ल आईने में देखा होगा। आपने सही कहा। आई, तुमने ये पंचायत क्यों बुलाई है ये तो बताओ। हाँ चौधरी साहब, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आज मैं जब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था, भगवान मिल गया। मैंने सोचा अच्छा आदमी है, मैंने पूछ लिया भगवान कैसे हो, बस कहने लगा तूने मुझे अच्छा आदमी कहा, और इतना समझते हुए मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैं चीखता रहा, भैया मुझे क्यों मार रहे हो, क्यों चीख रहे हो, लेकिन नहीं, वो मुझे मारता रहा, इतना मारता रहा। ए, ये क्या बोलता है? झूठ बोला तो तेरा थोड़ा बिगाड़ूंगा, समझा? मार के दिखाओ, अब बचा गया थोपड़ा बिगाड़ने के लिए। क्या रे भगवान, तुमने इसे मारा क्या, बताओ। हाँ मारा। क्यों मारा, नहीं बताओ। अरे मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पूछा भगवान कैसे मारने लगा। अरे कोई किसी का हालचाल पूछेगा तो कोई उसे मारेगा क्या? कोई मारे या ना मारे, जवाब मारा है। बताओ क्या जवाब है इसका तुम्हारे पास? मैंने इसे मारा है, सच है, लेकिन क्यों मारा नहीं बताऊंगा। ए, सच्चाई नहीं बता तो कोड़े से मार खाना पड़ेगा। हाँ मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन नहीं बताऊंगा। सच बोल दे बेटा, क्या तुमने उसे बेवजह मारा है? माँ उसने गलती की तो मैंने मारा। क्यों मारा है? वो गलती मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन गांव वाले ये जानना चाहते हैं कि तुमने उसे क्यों मारा। अरे आप इससे क्या पूछ रहे हो, इसका दिमाग खराब हो गया है और इसने ही मारा है। ए तुम ज्यादा जोश में मत आओ, चौधरी साहब बात कर रहे हैं ना। अरे ये क्या पूछेंगे, एक घंटे से यही पूछ रहे हैं, क्या किया, क्यों मारा, क्या किया, क्यों मारा, कहाँ मारा, कैसे मारा, बस यही नॉन स्टॉप पूछ रहे हैं। अरे हमारे साथ ऐसा न्याय और अपनों के साथ अलग न्याय। तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। इसका मतलब हमें अपना तकलीफ नहीं बताना चाहिए, तकलीफ बताने वाले को सजा देंगे। ठीक है, क्या क्या सजा देंगे? गजानन भगवान, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ तुमने उसे क्यों मारा? मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है सुनो गांव वाले, इसने जो गुनाह किया है इसे उसकी सजा मिलेगी। इस भगवान को 30 कोड़े लगातार मारे जाएं। मारो। वहीं रुक जा। गलत काम करने वाले के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ये क्या है, घर जाता हूँ तो मामू से बात नहीं करती, यहाँ आता हूँ तो आप मुझे घुसने नहीं देते। मैंने कोई गलत काम नहीं किया। चुप हो जा। किसी को इतनी बेरहमी से मारना क्या गलत काम नहीं है? गलत काम करने वाले को मारना गलत बात नहीं है, लेकिन क्या उसने गलत किया ये तो मुझे बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। बेवकूफ है तू, मूर्ख है तू। तुम्हें जो 30 कोड़े मारे गए, मार तुम्हारे शरीर को लगी है, लेकिन चोट मेरे विश्वास को लगी है। जो विश्वास मैंने तुम पर किया है, मेरे परवरिश पर चोट लगी है। अभी भी वक्त है, बता दे मुझे। मैं नहीं बता सकता। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताते हो या नहीं? मैं भी आखिरी बार कह रहा हूँ, नहीं बता सकता। अगर तुम मुझे नहीं बताएगा तो आज के बाद यहाँ नहीं रहेगा। क्यों जाऊंगा मैं यहाँ से? मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा तू? नहीं जाऊंगा मैं। नहीं जाएगा तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा तू, कसम है मेरी। दादाजी। ठीक है मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं। रुक जाइए भैया। दादाजी जो मार गोपाल को पड़नी चाहिए थी वो मार भैया को पड़ी। ये क्या कर रही है तू? हाँ दादाजी, जब मैं बगीचे में फल तोड़ रही थी तो गोपाल ने आकर मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश की, तब वहाँ भैया आए और उन्होंने गोपाल को मारा। मैंने ही भैया से कहा कि ये बात किसी को ना बताए, क्योंकि 4 लोगों को पता चलेगा तो तरह तरह की बातें करेंगे,
और मैंने उनसे कसम ली कि वो बात किसी को ना बताए क्योंकि मुझे आपकी इज्जत की बहुत परवाह थी दादाजी। अभी जब कॉलेज से आई तो मुझे सब पता चला। भैया 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 मुझे माफ कर दो, मैं पापी हूँ, मेरी वजह से आपको क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। अरे भगवान इधर आ। कैसे आऊँ, आपने कसम दी है, पहले अपनी कसम वापस लो फिर आऊंगा। ठीक है बेटा, अब तो इधर आ, आजा। दादाजी पता नहीं मैंने किस घड़ी में तेरा नाम भगवान रखा था, तू सच में भगवान है, सच में भगवान है तू। मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे मरने के बाद मेरी पोती की देखभाल कौन करेगा, लेकिन अब मुझे इसकी चिंता नहीं रही, अब तू है ना इसका माँ बाप भाई बनकर ख्याल रखने वाला, अब अगर ये बुढ़ा मर भी गया तो फिकर नहीं। दादाजी आपके अंदर यही बुरी आदत है, मैं माँ बाप भाई बनकर इनका ख्याल रखूंगा, लेकिन आप मुझसे बात करो, आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। दादाजी बोलो ना। ठीक है ठीक है बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, वैसे भी मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा, अंदर चलो, बहुत दर्द कर रहा है ना, चलो। मेम साहब, मेम साहब, अरे ओ मेम साहब, डर गई ना आप? अरे कब से मैं पुकार रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रही हैं। अरे क्या सोच रही हैं आप? मैं यहाँ बैठे वरदान के बारे में सोच रही थी। वरदान का मतलब? मैंने भगवान से कुछ वरदान मांगा है, पता नहीं भगवान मुझे वरदान देंगे या नहीं। क्या वरदान मांगा आपने? बस उसी वरदान के बारे में सोच रही हूँ। क्या मांगा है बताओ ना। जो माँ की ममता और प्यार दे, जो बाप का स्नेह और दुलार दे, एक ऐसा बहादुर जो मुझे हमेशा बचाता रहे, एक ऐसा जीवन साथी जो जिंदगी भर मेरा साथ दे। ओ, इसके लिए भगवान से वरदान मांगने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम आज ऐसा कह रहे हो, क्या जिंदगी भर तुम मेरे साथ रहोगे? क्यों नहीं रहूंगा, रहूंगा। सच में रहोगे? हाँ सच में। कसम खाओ। कसम से। क्यों रे, जिस काम के लिए गया था वो सक्सेस हुआ कि नहीं? हाँ गया था, लेकिन हमारा प्लान बिल्कुल फेल हो गया। मतलब? मतलब ये कि जो इन्फॉर्मेशन हमने उसे दी थी उसके मुताबिक इंस्पेक्टर ने ऊपर जाके रूम में चेकिंग की, लेकिन वहाँ पर तो सब पति पत्नी निकले और क्या। हाँ, वो ऐसा ही भी तेरे जैसा बेवकूफ होगा, कौन से रूम में जाना था और कौन से रूम में पहुँच गया? वो इंस्पेक्टर करेक्ट रूम में गया था। Yes? You are under arrest. What nonsense you are talking? And on what ground are you arresting me? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? Arrest कर रहा हूं बस। देखिए, इसीलिए तो पूछ रही हूं। Under immoral topic. Inspector, mind your language. Wife और husband जब साथ में रहते हैं तो उसे धंधा नहीं, संस्कार कहते हैं। He is my husband. Yeah, husband, husband. आप चुप करो जी। We are newly married. We are on honeymoon trip. शर्मा जी के पास काफी relatives हैं, इसलिए इस गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। Ask him. Hey, हटो रे हटो। बेटी ये मेरी बात भी नहीं सुन रहे थे, मैंने जब कहा तो मुझे अरेस्ट करने की बात कर रहे थे ये सब। Is it true? Inspector, अगर आपको मेरे पिताजी का नाम और बैकग्राउंड का पता चल जाए तो अरेस्ट करने की जो हिम्मत आप कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं करते। है। आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया किसने है? वो किसने दिया आप जाने दीजिए। No, I insist. I must know. Who is that bloody rascal? ये क्या, कोई भी ऐरा गैरा आकर आपको गलत इन्फॉर्मेशन देगा और बिना पक्का सबूत आप लोगों को यूं ही सताने चले आएंगे? Do you want me to talk to higher authorities? No, 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 no. I'm sorry, madam. I'm extremely sorry, madam. I'm sorry for the trouble. Let's go. यहाँ से। वेरी गुड, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, उसके अंदर भी मेरा खून दौड़ रहा है, इतना दिमाग तो होना चाहिए उसके पास। ये सब क्या है बेटी, ये मंगलसूत्र? मैं इस वक्त आपको कुछ नहीं बता सकती, बाद में बताऊंगी। मेरे और भगवान के लिए कहीं और रहने का इंतजाम कीजिए प्लीज। अरे मैम साहब, आप यहाँ से उठ जाओ क्या? हाँ हाँ। एक बात याद रखना, वो दोनों यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए, उसके लिए रास्ता ढूंढो। हेलो, हम लोग ये शहर छोड़कर जिंदा ना जाए इसी की प्लानिंग कर रहे हैं ना इस वक्त। रमैया बेटी, आपने पुलिस को गेस्ट हाउस में भेजा, अगर मैं चाहती तो मैं वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन मैं जानबूझकर वहाँ से नहीं भागी क्योंकि मुझे आपसे बदला लेना था।
और इसीलिए मैंने भगवान को अपना जीवन साथी बना लिया है। मैं बहुत जल्द आपका अंत करने वाली हूँ। हेलो, मुझे एक रूम चाहिए। सिंगल या डबल? डबल क्या करेंगे, सिंगल चाहिए। कौन सा गांव है? लातूर। कितने दिन रहोगे? एक घंटा। एक घंटा? अरे इसको बुक किया ना, इसलिए एक घंटे का चाहिए। मतलब तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो? ना, नहीं है ना, इसलिए तो उसको बुक करा कर लाए, पति पत्नी का खेल खेलेंगे। लो फट, शर्मा जी के लॉज को तुमने क्या समझ रखा है? सुनो, यहाँ सिर्फ पति पत्नी आते, तुम्हारे जैसे लोफर नहीं। ए, जवान सवाल के बात कर, जानता है मैं कौन हूँ? लगता मुझे पहचानता नहीं तू। अरे यहाँ से चुपचाप शराब से चला जा, नहीं तो पुलिस को बुलाऊ क्या? पुलिस भाई यहाँ से। अरे पुलिस भाग, चल भाग। लड़के ने मुझे बचाया था, याद है? यही है वो भगवान। ओ, ये हीरो है। हाय हाय। होय होय होय। बहुत स्मार्ट है ये। How handsome he is। हेलो, तुम जाकर खेलो, मैं बाद में आकर ज्वाइन होती हूँ। पर कॉक? भगवान को कॉक देना ना। कौन सा कॉक? वो क्या है? भगवान, अरे खेलने वाला कॉक। मतलब क्या है? Shut up। अरे भगवान, तुम्हारे हाथ में जो है। ओह, ये। तुम लोग जाओ, दूसरा कॉक ले लो, जाओ, जाओ। हाँ, चलो भाई। भगवान, तुम शहर में कब आए? कल आया। कल आया? और आज मिल रहे हो? बाप रे, बीच में मेरे साथ बड़ी-बड़ी घटनाएं घट गईं। घटनाएं? वो क्या है? रहस्य की बात है। आखिर मुझसे पूछो तो मैं यहाँ क्यों आया? किस लिए आए? मैं आपको उठाकर ले जाऊंगा यहाँ से। मुझे उठाकर लेके जाने आए हो? हाँ। मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, मुझे जहाँ बोलोगे मैं वहीं आ जाऊंगी। ऐसे नहीं, उठाकर ही ले जाऊंगा। अच्छा, कैसे उठाकर ले जाओगे? वो देखो, वो ब्लू कार खड़ी है ना। भगवान, मुझे उठाकर ले जाने के लिए किसने कहा? किसने कहा? बड़ी मेम साहब ने। बड़ी मेम साहब ने? हाँ। वो कौन है? रहस्य है। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो क्या करोगे? हाँ, मुझे बेवकूफ समझ के रखा है, मैंने सब करके रखा है, मेरे जेब के अंदर मंत्र है, देखो इसे, मैंने इसे खोल कर इसे निकाल कर अगर नाक में रख दिया तो इसके जादू से तुम बेहोश हो जाओगी, बेहोश हो जाओगी। ए, वही रुक जाओ। भगवान को क्या हुआ अंकल जी? कुछ नहीं हुआ बेटा, इसने जो लॉकेट पहना था ना, इसने खुद ही सूंघ लिया और सूंघकर बेहोश हो गया। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, जरा सा प्याज लाकर सूंघाता हूँ, होश में आ जाएगा। तुम ठहरो, अभी प्याज लेकर आता हूँ। रमैया, तुम ही हो? हाँ। तुमने ही किडनैप करने के लिए कहा मुझे? हाँ, मैंने ही बोला। ऐसे बुरे आदमी कहा तो ऐसी हरकत करवाते, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे तुम जैसे जवान लड़के को पैसे कमाना है तो ऐसी हरकत करने की जरूरत क्या है? अब पैसा ही कमाना है तो एक रात बाजार में जाकर खड़ी हो जाओ, तो बहुत पैसा मिल जाएगा, समझे? How dare you? तुमने मेरे पर हाथ उठा, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? तुम कौन हो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ तुम नहीं जानती। Who the hell are you? देखो, तुम जिस बाप की औलाद हो ना, मैं भी उसी बाप की औलाद हूँ, लेकिन मैं तुमसे पहले पैदा हुई थी। मैं एक नाजायज औलाद हूँ। तुम्हारा और मेरा बाप कितना गिरा हुआ इंसान है, उसका असली रूप क्या है वो मैं तुम्हें बताती हूँ। Thank you.
कि किस तरह से उन्होंने मुझे बेटी माना और 10 लोगों के सामने यकीन दिलाया, मेरे साथ साथ गांव वालों को भी धोखा दिया। आखिर में इतनी नीच हरकत करने लगे कि मुझे। दीदी मुझे माफ कर दीजिए। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें तो सिर्फ तुम्हारे पिताजी एक अच्छे इंसान के रूप में ही मिले हैं ना, लेकिन मेरे लिए तो वो एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद की और मुझे नाजायज औलाद बना दिया। तुम चिंता मत करो दीदी, हम दोनों एक ही खून के पैदाइश है दीदी। जो बरसों की आग तुम्हारे दिल में दहक रही है उसे बुझाने के लिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी दीदी। मैं महसूस कर सकती हूँ दीदी। माधवी। हाँ दीदी। पिताजी को सबक सिखाने के लिए मुझे उठाकर गांव ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाऊंगी दीदी। दीदी। ओ मेरे डैडी। अबे क्या बोल रहा है? मैं जिंदा हूँ, मर थोड़ी गया हूँ जो ऐसा बोल रहा है। अरे आप मर जाओगे तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगा, रोऊंगा क्यों? फिर क्यों रो रहा है? अरे हमारी तो इज्जत चली गई। अरे बेटा अपनी तो इज्जत है ही नहीं तो जाएंगे कैसे? मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। आपने मुझसे कहा था कि परमेश्वर की बेटी को लेके भाग जाओ, रायल जी पंचायत की कुर्सी पर बैठेंगे नहीं, चौधरी साहब कुर्सी पर बैठेंगे नहीं और कुर्सी पर आप बैठकर सजा देंगे, ऐसा आपने मुझसे कहा था। कहा था ना आपने मुझसे? आज नहीं तो कल, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन यही होने वाला है। हाँ। अरे क्या बोला, आपकी खोपड़ी खराब हो गई क्या? अरे भगवान एक को लेकर गया था, अभी दूसरी को भी लेकर आ गया है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? एक और। अरे तुझे दिमाग है कि नहीं? तूने ये क्या किया? तूने 2 कुमारी लड़कियों को लेकर यहाँ आया, कल उनके भविष्य का क्या होगा? क्या किया मैंने? मैंने कोई जबरदस्ती करके नहीं लाया उन्हें, वो खुद मेरे पीछे आ गई हैं। छी, कहता है खुद चली आई। मैं सच कह रहा हूँ। आप भगवान को मत डांटिए, इसमें उसकी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरे डैडी की है। उनकी हरकतों के बारे में आपको पता नहीं, अपनी बेटी को राजनीति के लिए यहाँ पे गिरवी रखकर चले गए, कितने गिरे हुए इंसान है मेरे डैडी। दीदी सच बोल रही है अंकल, आज तक जो हम खाना खा रहे थे वो हराम की कमाई है, मुझे पता ही नहीं था। जब पिताजी के बारे में सुना कि वो इतने घटिया काम करते हैं तो मुझे अपने आप से नफरत होने लगी। भगवान की भी लीला कोई नहीं जानता, ऐसे आदमी को 2-2 हीरे जैसी लड़कियां मिल गईं। अब आखिर में बेटियों तुम क्या करोगी? करने को अब रह क्या गया चौधरी साहब, जब तक पिताजी गांव वालों का वादा पूरा नहीं करते हम दोनों यहीं पर रहेंगे। अगर तुम्हारे पिता ने नहीं किया तो? जरूर करेंगे अंकल, उन्होंने जो इतने पाप किए उसका क्या होगा अंकल? उन्होंने पाप की कमाई की वो मेरे लिए ना, मैं उनकी जान हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह सकते। और आप ही देखना अंकल, वो खुद कैसे चल के आएंगे मेरे लिए, आप देखना अंकल, जैसे ही उनको पता चल जाएगा वो फौरन मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। अरे देखो बात की और वो आ गए। भगवान कौन है यहाँ पर? मैं हूँ। क्यों क्या बात है? यू आर अंडर अरेस्ट। अरेस्ट मतलब? मतलब पुलिस स्टेशन से हाथ मत पकड़ना, अगर मैं एक मारूंगा ना तो थोपड़ा बिगड़ जाएगा। स्टॉप इट। इंस्पेक्टर भगवान को क्यों अरेस्ट कर रहे हो? क्या मैं जान सकती हूँ उसने क्या जुर्म किया है? आप परमेश्वर जी की बेटी है। हाँ? आपके पिताजी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, उन्होंने कंप्लेंट किया कि इसने आपको किडनैप करके यहाँ रखा है। What nonsense you are talking? भगवान ने मेरा किडनैप किया? वो मेरा क्लोज फ्रेंड है, मैं अपनी मर्जी से उसके साथ आई हूँ, समझ गए ना? तो जाओ यहाँ से आप। पर आपके पिताजी ने मुझे कहा है कि मैं आपको किसी भी हालत में लेके आऊँ। मतलब जबरदस्ती कर ले जाओगे? मेरे साथ अगर जबरदस्ती की तो आप बड़ी मुश्किल में पड़ सकते हो, ये बात याद रखना इंस्पेक्टर। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम नॉट माइनर मेजर। लेकिन मैडम। प्लीज इंस्पेक्टर नो मोर आर्गुमेंट्स, आप जा सकते हो। अब क्या करें? फोन करें क्या? सुनो इंस्पेक्टर, अगर आपने जाने में देरी की तो अभी इसी वक्त DIG, DSP और अपने लायर को बुलाऊंगी। बुलाओ क्या? हाँ हम जाते हैं, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, कम ऑन। अरे बाप रे क्या इंग्लिश बोली आपने, कमाल कर दिया। उसने ऐसा बोली और तुम वापस चले? सर वो बोली वो मेजर हो, अगर हमने जबरदस्ती की तो वो DIG को फोन करके मेरे बारे में कंप्लेंट कर देगी। सर वो मेरा एरिया भी नहीं है, फिर भी मैं आपके कहने पर वहाँ गया। DIG का नाम सुनते ही मैं डर के मारे वहाँ से वापस आ गया। हेलो माधवी हियो। माधवी ये क्या किया तुमने? माधवी तुम यहाँ से बिना बोले ही चली गई, पिताजी कितने परेशान हो रहे हैं तुम्हें लेके। जीजा जी ने तुम्हारी टेंशन में खाना खाना छोड़ दिया है। मेरी बात सुनो बेटी। नाटक मत कीजिए। नाटक नहीं कर रहा हूँ बेटी, तुम मेरी जिगर का टुकड़ा हो। पिताजी आप मुझे प्यार करते हो, अपनी जान समझते हो,
तो आपको फौरन एक काम करना होगा। बोलो बेटी क्या करना होगा। आपने जो गांव में वादे किए वो वादे पूरे करने होंगे, उसके बाद ही मैं गांव में वापस आऊंगी। वो भी अकेले नहीं आऊंगी, दीदी के साथ आऊंगी। और आइंदा अगर आपने पुलिस लोगों को भेजने की चीप हरकत की तो दीदी और मुझे प्रेस में जाना पड़ेगा। आपके राजकीय भविष्य के लिए ये अच्छा नहीं होगा। बेटी माधुबी। बाय डैड। क्या हुआ जीजे जी? मैंने जो गांव में वादे किए हैं उसको पूरा किए बिना वो आने से इनकार कर रही है। उसने इसके भी कान फाड़ डाले। तिवारी जी आए। वो यहाँ पर क्यों आए हैं? आप क्यों खड़े हो गए? आप बैठिए, मैं मालूम करके आता हूँ। नमस्कार तिवारी जी। परमेश्वर कहाँ है? वो अंदर है। देखो परमेश्वर, अभी हमें बंदूकों से नहीं रिश्तों से काम है, समझ में नहीं आया? रिश्तेदार आया है उसका स्वागत तुम्हें बंदूकों से नहीं फूलों से किया जाना चाहिए, लेकिन तुम हो कि इनसे कहो कि यहाँ से लोग हट जाएं, फिर हम बात करते हैं। आइए बैठिए, कोल्ड ड्रिंक्स। नो थैंक्स, जो बात करने आए हैं वो तय हो गए तो सीधा हॉट ड्रिंक से बात करेंगे। हाँ तो बोलिए। देखो परमेश्वर, हमारा एक ही इकलौता बेटा है और तुम्हारी भी एक ही इकलौती बेटी है। तुम्हारी बेटी की शादी हमारे लड़के के साथ हो, मैं उसी रिश्ते का बात करने आया हूँ। इसमें मेरा क्या फायदा होगा? तुम्हें दहेज देने की जरूरत नहीं है। हमारी बेटी से शादी के लिए बिना दहेज के लाखों लड़के खड़े हैं लाइन में। पर उसमें ऐसा कोई नहीं होगा जो तुम्हें मेरे जैसा दहेज दे। दहेज क्या है वो? तुम्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दूंगा। जोक कर रहे हैं आप? जोक नहीं मानो, सीरियस बात करो। तुम्हारे पास कुछ MLA है, कुछ MLA मैं दे दूंगा, और ज्वाइंट पार्टी बनाकर जो अभी CM है उसको तुम आसानी से कुर्सी से उतार सकते हो और तुम CM बन सकते हो। वाह जीजा जी, CM बन जाएंगे। जीजा जी डील अच्छी है, ओके बोल दीजिए। तो चुप बैठ। एक बात समझ में नहीं आई, इतना बड़ा चांस आप मुझे क्यों दे रहे हैं? आप भी तो CM बन सकते हैं। सही है, वैसे कल तक मैं भी यही सोचता था, पर कल ही मुझे पता चला कि मेरा बेटा तेरी बेटी को पसंद करता है, इसीलिए अपनी राजनीति का थोड़ा सा त्याग कर रहा हूँ मैं। वैसे ये रिश्ता मुझे मंजूर है, पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो कैसा? मेरे बेटे को आपकी बेटी जरा भी पसंद करती। पागलों जैसी बात की है ना, तो पिताजी को बोलकर जेल भिजवा दूंगी। अच्छा, पिताजी तेरे पैसे जेल से निकालने के लिए मेरे पास भी पिताजी है। क्या तुम अपनी बेटी से हामी भरवा सकते? क्यों नहीं करवा सकता, वो मेरी बात कभी नहीं टालती है। पर बेटी नजर नहीं आ रही। वो गांव गई है। गांव गई है? हाँ, अपने दादी के पास गई है, एक दो दिन में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा दिन देखकर मुहूर्त निकाल लेंगे। यही ऑफर अगर दो दिन पहले आता तो कितना अच्छा होता, अब वो गांव में जाकर बैठ गई है। जीजा जी, किसी भी हालातों में ये ऑफर आप अपने हाथों से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो। जीजा जी, CM बनने के बाद आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या? मैं इस आदमी का मर्डर करूंगा और मुझ पे जो केस होगा वो आप संभाल लेना। तू उसकी बात छोड़, तू जल्द से जल्द 2 लॉरी 2 गाड़ी 2 ट्रैक्टर्स भर के आदमी ले जाकर चौधरी साहब के गांव पहुंचो। अरे ये भगवान जो है, क्या हुआ? वो सच में हमारे लिए भगवान है। वो परमेश्वर की दोनों बेटियों को लेकर आया, इसलिए परमेश्वर को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें, और उसने जो हमारे गांव जुबान दिया था वही काम पूरा करवाने के लिए उन्होंने सरकारी लोगों को भेजा। अच्छा ये बात है, तो चलो भगवान को ये बात बताना चाहिए। हाँ, चलो, चलो। लाडले बेटे, रो क्यों रहा है तू? क्या हुआ, कुछ बोल तो। दादाजी की फोटो देखकर रो रहा हूँ। अरे बेटे, आज के जमाने में लोग अपने बाप को नहीं पूछते। जो अपने बाप के बाप को याद करके इस तरह रो रहा है। हाँ, अरे रे 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 रे।
मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। चुप अपना मुंह बंद कर। मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुम्हारा बाप बहुत महान था। क्या? तेरे बाप के जो वो दोनों टूटे हाथ है, वो एक तुम्हें और एक मुझे गिफ्ट देकर गया है, और चाचा जी को पैर दे गया, इसलिए रो रहा हूँ। मतलब? तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मेरा जब बच्चा होगा तो तेरा बाप अपने शरीर का कौन सा पार्ट देगा, इसलिए रो रहा हूँ, अब समझा? हाँ, ये सोचने वाली बात है, लेकिन बेटा हाँ। तेरे बच्चे में मेरे बाप का कौन सा अंग आएगा? ये आएगा। मैं पहले से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मुझे और ज्यादा परेशान मत करो, समझे? दादाजी एक बात सुन लीजिए, अगर मेरे बेटे को तुम्हारा कोई भी पार्ट आया तो सुनो दादाजी, तुम्हारे इस बेटे को मार के उस बेटे के पास भेज दूंगा, फिर ये तुम्हारी तरह लटक जाएगा, समझे? मालकिन को यहाँ पे लेके आओ। क्या सर? मालकिन को ही नहीं, रमैया को भी लाना होगा, लेकिन इससे पहले हमें उस भगवान को जान से मारना होगा। वो देखो, वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो। उधर से ठीक है, तुम इधर आओ। भगवान, भगवान कहाँ चले गए तुम? भगवान कहाँ चले गए थे तुम? आप कुछ मत बोलो, चुप रहो। भगवान, भगवान कहा ना, आप चुप रहो। छोड़ो, आपको छोड़ो, मुझे ले मुझे। हे भगवान, अब आपको कोई खतरा नहीं। अब अगर वो लोग आएंगे ना तो उन्हें ये दिखा देना, वो जैसे ही इसे देखेंगे ना तो वो यहाँ से भाग जाएंगे। उन्हें देखकर बड़ा मजा आएगा, बड़ा तमाशा होगा। हाँ, मैं वहाँ छुपकर देखता हूँ। वो कहाँ है? किस लिए? इसलिए कि तुम्हें और उसको पिताजी ने लाने के लिए कहा है। हमें लाने के लिए कहा है या हमारी लाश को? क्या कहा? उसने मेरे गले में ये बांधा है। वही वही। Now we are wife and husband. हस्बैंड, हस्बैंड। क्या? उसने तुम्हारे गले में बांधा? हाँ। मैं कहता हूँ इसे शराफत से उतार दो और फौरन मेरे साथ चलो। अरे ये क्या? बच्चा? इसका तो कोई असर नहीं। छोड़ इसे, छोड़ छोड़। तूने मेहन साहब के गले में ये नहीं देखा क्या? हाँ देखा तो। इसे देखकर भी तुझे डर नहीं लगा? क्यों, इसे देखकर मुझे डरना चाहिए? अरे मैं तो, अरे देखो डर रहा हूँ, कितना कांप रहा हूँ मैं। अरे तुम भी कांप रहे हो? हाँ मालिक, हम भी डर रहे हैं। हाँ ये हुई ना बात, डर गए। चलो जाओ यहाँ से। हाँ चलो जाओ, चलो मालिक। भगवान, भगवान, भगवान! 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 भगवान!
छोड़ो। हेलो, मैं बोल रहा हूँ बद्रीनाथ तिवारी। नमस्ते तिवारी जी। नमस्ते, बेटी आ गई क्या? उसकी तबीयत जरा खराब है, कल रात तक आ जाएगी, आते ही मैं आपको इतला कर दूंगा। मैं आपकी बेटी के बारे में जब भी पूछता हूँ आप कोई ना कोई बहाना कर देते हैं। क्यों? आखिर आपकी बेटी का लफड़ा क्या है? अब देखिए 3 तारीख का समय निकाला है, वक्त हमारे पास है नहीं, इसलिए हम लोग धूमधाम से शादी करवाने के बजाय मंदिर में शादी करवा देते हैं। 3 तारीख का शुभ मुहूर्त है, बेटी को लेकर आ जाना। सुन रहे हो ना मैंने क्या कहा? हाँ, आ जाऊंगा। 3 तारीख को शादी है, याद रखना, हमारे पास समय बहुत कम है, तुम्हारी भलाई इसी में है। ठीक है, रखता हूँ। इधर मेरी बेटी आने का नाम नहीं ले रही है और उधर शादी का मुहूर्त निकलवा लिया है। अगर मुहूर्त के वक्त बेटी वहाँ नहीं पहुँची तो मेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा। बेटी रमैया। हाँ? रमैया, क्या बात है माजी? ये गले में क्या है? कुछ भी तो नहीं है गले में। हाँ, ठहरो, मैं पूछ रही हूँ इसके बारे में, ये किसने बांधा है? इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी माजी। नहीं, अभी बताओ, इस वक्त अभी बताओ। अभी नहीं बता सकती मैं, समय आने पर सब बता दूंगी। रमैया, तुम्हारे पिताजी तुम्हें यहाँ पर हमारे भरोसे छोड़कर गए, कल वो मंगलसूत्र के बारे में पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? बोलो बोलो, किसने बांधा है? अगर तुम अभी भी चुप रही तो जिसने तुम्हारे गले में बांधा है तुम्हें उसकी कसम। ऐसा मत बोलिए, ये मंगलसूत्र मेरे गले में भगवान ने बांधा है। अरे क्यों मारू बताओ तो सही। जितना भी तुझे मारू उतना कम है, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई गधा कहीं का। मुझे जो भी गालियाँ देनी है दे, लेकिन पहले ये तो बता कि मैंने क्या किया है। कितना घोर अनर्थ किया है, रमैया के गले में तूने ही मंगलसूत्र बांधा ना। मंगलसूत्र क्या? हाँ, ताबीज, हाँ मैंने बांधा उसे। मुझसे कसम ली कि किसी को बताना नहीं और खुद ने बता दिया तुम्हें। उसने कहा था इसलिए मैंने उसके गले में बांधा। आप मुझे क्यों मार रही हैं? बचपन में आपने भी तो मुझे बांधा था, क्या मैंने आपको मारा था? हे मेरे भगवान, इसको मैं कैसे समझाऊं? अरे तूने ताबीज नहीं मंगलसूत्र बांधा है, एक लड़का एक लड़की के गले में बांधा है तो उसे पति पत्नी कहते हैं। मेरा दिमाग मत खराब करना, जब देखो जब शादी कर शादी कर। तुमने क्या कहा था मुझसे? ये ताबीज मेरे गले में इसलिए बांध रही हो कि बेटा भगवान ये बांधने से कोई भी मुसीबत आएगी तो टल जाएगी, इसीलिए मैंने बड़ी मेम साहब के गले में ये बांधा था। हाँ, और परसों छोटी मेम साहब पर मुसीबत आई तो मैंने उनके गले में बांध दिया। क्या शादी हो गई? ये बड़े लोग अपना काम करवाते हैं और हमें गलत ठहराते हैं। मेरी जगह अगर आप होती तो आप क्या करती बोलिए? समझ भी नहीं आती बात, जब देखो जब मारते रहते हैं डांटते रहते हैं, कुछ भी करो इनकी नजर में गलत ही होता है। कितनी शुभ बात बोली आपने, सुबह सुबह गायत्री मंत्र सुना वैसा और सुबह सुबह किशोर कुमार का गाना सुना जैसा दोनों के गले में मंगलसूत्र पहना दिया। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। इधर हम लोग इतनी टेंशन में हैं कि उसने उन दोनों के गले में मंगलसूत्र पहना दिया और तू है कि तू हमारे साथ मजाक कर रहा है, बत्तीसी दिखा रहा हमको है। तुम मारो चाहे गालियां दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुमने कितनी अच्छी बात की। नाम 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 नाम। आप मुझे सच सच बताइए, सच में दो दो को ना उसने? हाँ। ओके, अब बस मेरे हाथ में 1,00,000 रुपया रख दो, 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी बेटी को फूलों में रख कर सुरक्षित ला कर दे दूंगा। 1 हफ्ते में नहीं, 2 दिन में अगर तुमने ऐसा कर दिया तो 1,00,000 नहीं 4,00,000 दूंगा, समझ गए तुम? कितने? 4,00,000। हाँ, 1,00,000 रुपया एडवांस दूंगा और 3 काम होने के बाद। काम होकर रहेगा, 100% होगा। एडवांस मेरे हाथ में रखकर आप जाकर पलंग पर आराम से सो जाइए, बाकी का काम सब मैं देख लूंगा। गजानन सुनो, तुम्हें मालूम है पंचायती गांव के पेड़ के नीचे होते हैं, ये मंदिर में क्यों रखा है तुमने? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? सुनिए, मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है, एक पवित्र विचार के बारे में पंचायती से जानना चाहता था, इसलिए पंचायत इस पवित्र जगह पर रखा। वो पवित्र बात क्या है? बिना देर किए वो बात जल्दी से कहो,
पूरे गांव के लोग यहां आए हुए हैं। बताना तो चाहता हूं, पर जो लोग अभी आने हैं उसी का इंतजार कर रहे हैं। ए नालायक बेटे, खबर दिया ना उनको? अरे वो अपना चिन्नू है ना, उसको भेजा बुलाने के लिए, वो लोग आते ही होंगे। ओ जब तक आए तब तक एक बात कहना चाहता हूँ। आज से 15 साल पहले इसी मंदिर में, इसी पंचायत में चौधरी साहब ने एक फैसला सुनाया था, उसे मैं तुम लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। यह अन्याय है। क्या अन्याय है? एक पत्नी के होते हुए दूसरी को मंगलसूत्र पहनाना अन्याय नहीं तो क्या है? आहा, जब मेरे छोटे भाई ने इसके गले में मंगलसूत्र पहनाया तो अन्याय है, इसने भी तो मंगलसूत्र पहनाया, ये अन्याय नहीं है? बोलिए आप। क्यों बेटी, तुमने अपनी मर्जी से इसके हाथों से मंगलसूत्र पहना? हाँ, सही है। सुना आप लोगों ने, इसने कहा था मेरी शादी नहीं हुई है, आगे पीछे कोई नहीं है मेरा, ये क्या कर मुझसे शादी की? मतलब तुमसे धोखे से शादी की इसने? सही है, सही है। ये क्या बोलती है, तुम्हारे पास शादी का कोई सबूत है? पूरे गांव थे शादी के समय। सुनाना, क्यों बेटी तुम उसे अपनी सौतन स्वीकार करती हो? मैं मरना पसंद करूंगी पर सौतन बनकर जिंदगी नहीं गुजारूंगी। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ सही है। तो ठीक है, मेरा फैसला सुनो। ये गजानन का भाई गंगाराम की जो जमीन है उसमें से 10 एकड़ जमीन इस लड़की के नाम पर लिख कर दे दिया जाए, ये मेरा फैसला है। लिख कर दे दो। हाँ बेटी, तुम पेपर बना कर ले आओ। हमारे बाप ने दुनिया भर की जमीन छोड़ कर गए हैं, हम दोनों भाई अंगूठा लगा देंगे। ए, हमारे बाप और हम भाइयों ने मिलकर जमीन को हासिल की है। अरे 10 एकड़ तो क्या, गज भर जमीन भी नहीं दूं। अगर किसी ने आग उठा कर देखा तो इस दुनिया में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू क्यों नहीं देगा जब चौधरी साहब ने फैसला सुना दिया? ए, ये कौन है रे चौधरी, मेरे को सजा देने वाला कौन होता है? ये मेरी जिंदगी में कैसे भी जीऊं? ए, किसी ने भी कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पागल हो गए हो क्या? कदा कहीं का क्या क्या बक रहे हो? ये नादान है, इसके मुंह में जो भी आया वही बकता चला गया, इसे माफ कर दो साहब। उसने मुझे गाली नहीं दी, ये धर्म कुर्सी को गाली दी। इसने अपमान किया है धर्म माता का, इसलिए इसके सिर का बाल निकाल कर इसे गधा पर बैठाया जाएगा। और इस लड़की के साथ धोखा किया, इसलिए इस लड़की को 10 एकड़ जमीन दी जाएगी। और गांव के साथ गद्दारी की और धर्म के खिलाफ दो शादी की, इसलिए इसे गांव से बाहर किया जाएगा। इसने जो गलती की है इसलिए इस गांव का मुखिया होने के नाते ये मेरा आखिरी फैसला है। भैया चौधरी साहब, मेरे और मेरे भाई को अलग मत कीजिए, चाहिए तो इस लड़की को 10 एकड़ जमीन दे देंगे, आप जो बोलेंगे वो हम करेंगे, अपना फैसला वापस ले लीजिए। फैसला सुनाने के बाद वापस नहीं लिया जाता, शिक्षा दिया जाता है। सब याद आ गया, भूल जाने के लिए कोई छोटी घटना तो नहीं थी। उस वक्त मेरे छोटे भाई ने बीवी के होते हुए भी दूसरी लड़की से शादी की, जितना बड़ा गुनाह किया उतनी बड़ी उसे सजा मिली। उसे छोटी सजा कैसे होती? आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत बड़ी गुनाह उसने किया है। उस वक्त मेरे छोटे भाई ने गुनाह किया, आज इसी गाँव में एक और ने ये गुनाह अब किया है। एक और ने किया? किसने किया, किसने किया, ये बाजू में रखिए। पहले ये बताइए, जमाना बदल गया है बोलकर आप अपना फैसला तो नहीं बदलेंगे? मुझे ये बताइए। कभी नहीं बदलेगा, जिसने गुनाह किया उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे तुम हो, चाहे मैं हूँ, चाहे गलती करने वाला कोई भी हो, गलती करने वाला ऊपर वाला ही क्यों ना हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। अरे ऊपर वाले भगवान को बुलाने की क्या जरूरत है? ए, मैं जो बताने वाला हूँ, सब लोग आश्चर्यचकित मत होना, वो गुनाह करने वाला और कोई नहीं, हम लोगों के बीच में रहने वाला आपका भगवान। गजानन क्या बोल रहे हो तुम, जानते हो भगवान दो दो लड़कियों से शादी किया? क्या तुझे पागल कुत्ते ने काटा है? हाँ बता ना सही तो। हाँ, हम दोनों बाप बेटे को पागल कुत्ते ने काटा है। अरे पागल तो आप तब होंगे जब भगवान खुद अपने मुंह से सारी बात बताएगा। हाँ, अरे बेटा तमेश्वर के दोनों बेटी को खबर कर दिया ना? गजानन, हमारे मसले में उनको क्यों ला रहे हो? अरे मैं उन लोगों को क्यों बुलाऊंगा, वो खुद चलकर भगवान को बुलाएंगे तो मैं आ रही हूँ बोलकर ये दोनों चली आएंगी और ना चाहते हुए कहानी के मेन कैरेक्टर बन जाएंगे। अरे देखो, नाम लिया और हाजिर हो गया। आहा, क्या जोड़ी है, कितना अच्छा लग रहा है। क्या दादाजी, हमें आपने यहाँ क्यों बुलाया? हेलो,
एक्सक्यूज मी, तुम्हारे दादाजी ने नहीं मैंने बुलाया है तुम्हें। तुमने क्यों बुलाया? तुमने जो पाप पुण्य किया है ना, तुम्हें कब देकर सम्मान देने के लिए है? ऐसा मैंने कौन से बड़ा काम किया है? हाँ, देखना अभी पता चल जाएगा। ज्यादा बात करेगा तो मुंह तोड़ दूंगा, ये भगवान कभी गलत काम नहीं करता, इसीलिए मेरा नाम भगवान रखा गया है। हाँ, फिर क्यों जोश में आकर इन दोनों से तुमने शादी कर लिया, बताया भी नहीं। बोला अरे भगवान, रमैया जी रुक जाइए रुक जाइए, ऐसे चली जाएंगी? मेन कैरेक्टर तो आप ही कर रही है ना, तुम्हारे गले में जो मंगलसूत्र है उसे निकाल कर हम सबको बताना। देखो बेटी, चुपचाप निकाल कर बता दो, नहीं तो गांव की औरतें आकर तुम्हारा मंगलसूत्र निकालेंगी, ये अच्छी बात नहीं है। ज्यादा अफसोस मत करो बेटी, और कोई रास्ता नहीं। अब तुम बताओ, ये किसने बांधा तुम्हारे गले में? इसे मैंने बंधवाया है। तुमने बंधवाया, ये सही है, पर बांधा किसने ये बताओ? मैंने बांधा। करेक्ट, अभी आएगा नेक्स्ट। अब तुम भी बता दो बेटी, अब उसको जो डायलॉग बोला वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। चूम अंतर काली कलंतर, ये तुम्हारे गले में किसने बांधा? इसे भी मैंने बांधा है। ये बात है, देख लिया ना चौधरी साहब? अरे चौधरी साहब, समझ में आ गया ना आपको सब कुछ कि पागल कौन है? अब जल्दी से आप अपना फैसला सुना दो, ताकि गांव वालों को पता चल जाए कि न्याय क्या है। क्या भगवान, ये सब सच है? हाँ ये सच है कि मैंने इनके गले में बांधा है, पर ये भी सच है कि मैंने इन दोनों से शादी नहीं की है। अरे बाप रे, एक कैसा आदमी है, अब इनको कौन समझाएगा कि इनकी शादी हो गई है? अब तो आपके सामने सच्चाई आ गया, अब आप अपना फैसला सुनाइए। ठीक है, हमारे गांव के नियम के विरुद्ध दो से शादी। ठहरी मालिक, नादान को बिना मतलब सजा मत। दुर्गा जी, इस तरह से पंचायत में आकर आपके सामने बात कर रही हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, पर मालिक आप ही ने तो कहा है कि जब भी अन्याय हो तो उसका विरोध करो। तो जाओ मंदिर में जाओ, भगवान की प्रार्थना करो, पर तुम माँ के सेंटीमेंट के जरिए अपने इस भगवान को बचाना चाहती हो? गाँव वाले चुप नहीं बैठेंगे। नहीं चुपचाप बैठेंगे गजानन जी, क्योंकि इस गांव में आकर उसने अपनी आंखें खोली, सब गांव वालों के बीच में पला और बड़ा हुआ, इसीलिए गांव वाले चुपचाप नहीं बैठेंगे। पैदा हुआ तब से अब तक किसी का इसने नुकसान नहीं किया, बल्कि उपकार किया है लोगों पर। मेरे भगवान ने हमेशा दूसरों का भला सोचा है। जब भी गांव में कोई पैदा होता है बच्चा, तो वो इसकी गोद में खेलकर बड़ा होता है, और ये अच्छेपन का सिला मिला है मेरे बच्चे को। मुझे कहने दो, मुझे कहने दो, मुझे मत रोको। अरे आप चुपचाप बैठ जाओ, अभी बहुत हो गया आपका, पाले हुए बेटे की बहुत तारीफ कर ली आपने। अरे और किस किस की मदद किया, तो मुझे क्या करना? मेरे घर वालों को इतनी सी भी कोई मदद नहीं की, और ना ही मैं कोई मदद कभी लूंगा। नहीं की? तुम्हारी मदद नहीं की? कसम से। एक बार अतीत को याद कर गजानन, उस रोज यही भगवान अपनी जान पर खेलकर टूटे हुए अगर बांध के पास खड़ा नहीं होता, तो इस गांव के अंदर सबसे पहले तुम्हारा घर बहता, और मेरा बेटा अगर जान पर नहीं खेलता तो ये सारे लोग भी नहीं होते, और सजा देने के लिए पंचायत भी नहीं होती। चौधरी साहब, अगर आपको ये फैसला सुनाना है कि भगवान को इस गांव से निकालना है, तो एक बात और सुन लीजिए। तो फिर उससे पहले आपको इस गांव से और चार लोगों को बाहर निकालना ही होगा चौधरी साहब। हाँ? और चार लोग? कौन है वो? भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी अगर उत्तर दिशा में रहती है, तो दूसरी पत्नी दक्षिण दिशा में रहती है, फिर भी इज्जत के साथ उन्हें मंदिर में बिठाकर उनकी स्थापना करके पूजा पाठ किया करते हैं हम लोग। उनकी गलती कोई गलती नहीं थी। अरे बाप रे, बड़ा कमाल का चक्र भी घुमाया है। शहर की लड़की, वो सब लोग भगवान है, अवतार लिए हुए भगवान है, खाली नाम रखने से कोई भगवान नहीं हो जाता है, समझी? तुम ठहरो गजानन। बेटी, क्या भगवान और इंसान एक हो सकते हैं? हो सकते हैं चौधरी जी, सब लोग भगवान की पूजा करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं,
उनसे वरदान मांगते हैं। ना देखने वाला भगवान लोगों के वरदान पूरा करते हैं या नहीं उसके बारे में मुझे पता नहीं, पर ये हमारे भगवान अगर सिर्फ नाम लेके पुकारो तो कुछ नहीं देखता, दौड़ा चला आता है, कोई रिश्ता नाता नहीं देखता, तन मन से लोगों की मदद करता है। ये एक सच्चे दिल वाला पवित्र इंसान है। मेरी नजर में ऐसा इंसान इंसान नहीं बल्कि भगवान से भी बढ़कर है चौधरी साहब। और ऐसे इंसान को गांव से निकालने की बात कर रहे हैं आप, कैसा न्याय है? खैरियत दीदी, चौधरी साहब उस दिन आपने गजानन के भाई को सजा दी थी, तब कंप्लेन किसने दी थी उस वक्त? इसके भाई की पत्नी ने। और अभी किसने कंप्लेन किया हमारे खिलाफ? मी। भगवान ने हमारे गले में मंगलसूत्र बांधा है, कंप्लेन करनी हो तो हम करेंगे, तुम्हें इससे क्या? एक गांव के नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए मेरे पिताजी के सारे राइट वाइट हैं। ये गांव की समस्या है। शट अप, ये पर्सनल विषय है। एक पत्नी के होते हुए पति अपनी पत्नी से इजाजत लेकर दूसरी शादी कर सकता है, हम दोनों को इस शादी से इतराज नहीं है, तो तुम्हें क्यों? अरे सुनिए, आप भी शादी की बात कर रही हैं, आप दोनों से मेरा किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं है, मैं चला आया। अरे उसको रोको, उसको रोको। भगवान, इस गांव से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैंने शादी नहीं की। सुनो बेटी, कानून कुछ भी कहे पर हमारे गाँव का भी एक कानून है, उसका पालन करना हमारा धर्म है, इसलिए मैं माफ करना चौधरी साहब, अगर आपने इस गांव से भगवान को निकाला तो हम सबको गांव छोड़ना होगा। मालिक हमें माफ कर दीजिए, भगवान के बिना हम इस गांव में नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। हमें माफ कर दीजिए, हम भगवान के बगैर नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। वापस ले आइए, इन्हें वापस लाइए। अरे छह गांव का सबसे खूबसूरत लड़का, दूर दूर तक कोई ऐसा खूबसूरत लड़का नहीं है, हम मेरे पास एक भी नहीं है और उसके पास दो दो है। अरे शर्म से डूब क्यों नहीं जाता मैं? क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, कोई बुरा सपना देखा क्या? भगवान सपने में आया था। अरे बेटा, अगर भगवान सपने में आए तो खुश होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। अरे वो ऊपर वाला भगवान नहीं, अपने गाँव का भगवान आया था। अरे भगवान को देखो क्या, पता नहीं किधर चला गया भगवान। अरे भगवान को देखा क्या? चलो देखा, चलो। अरे मिला क्या भगवान कहीं पे? नहीं दादाजी। भगवान, भगवान, अरे भगवान, 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 भगवान। भगवान, 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 अरे भगवान, भगवान, अरे कहाँ भगवान? कहाँ गया? देख लिया। हाँ, चलो देखो, चलो, चलो इधर। दुर्गा माँ। जी मालिक। ये सब क्या है? वो कहाँ जाएगा? उसका गुस्सा भी कितनी देर का? सुबह होते ही दादाजी अम्मा बोलते हुए भागते हुए आ जाएगा। पहले ही उसको गुस्सा बहुत आता है, मालिक क्या आएगा वो? जरूर आएगा, वो हमारे बिना नहीं रह सकता और हम उसके बिना भी नहीं रह सकते। 25 साल उसे पाला है, क्या इतना भी नहीं समझ पाऊंगा मैं उसे? गलत है, जिस गांव ने तुझे अब तक पाला है और जो भी ये गांव वाले तुम्हारे बारे में फैसला लेंगे, तुम्हारे अच्छे के लिए बोलेंगे, उन्हें गलत मत समझो बेटा। तुमने जो गले में बांधा है उसे शादी कहते हैं भगवान। इंसान की जिंदगी में शादी की वजह से एक पवित्र रिश्ता बन जाता है, तभी इंसान की जिंदगी पूरी हो जाती है। अपनी माँ का गुस्सा तुम किस पे उतार रहे हो बेटा? मैं ही तो तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ। हरी माँ, हरी माँ, हरी माँ, माँ। माँ।
डायरेक्ट कार आ रही है। रुक जाओ, कौन है रे? ठहरो, इस बुड्ढे को मारो मत, वैन के अंदर डाल दो। हेलो हेलो, जैसे आए हो अपने कदम वापस ले लो वरना मारे जाओगे। अरे कौन मारा जाएगा, देखते हैं। मारो 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 मारो। छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो, बचाओ। दीदी दीदी माधवी, दीदी माधवी, दीदी गाड़ी रोको, मैं कह दूं गाड़ी रोको। भगवान, भगवान वो परमेश्वर के आदमी आकर तुम्हारी माँ को मारकर चौधरी साहब को ले गए। बेटी मेरे सीएम की कुर्सी के बीच में ये पागल का बांधा हुआ मंगलसूत्र है, उस पर मत जा मेरी बेटी। मेरी बेटी है ना, इस गांव की बहू को उठाकर ले गया, अपनी बीवी को बचा ले, चाहे उसके लिए इसके हाथ ही काटने क्यों न पड़े, चाहे मेरी जान क्यों न जाए, मैं इसे नहीं निकालूंगी। अरे अरे, तेरी जान कैसे जाएगी, तू तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, अगर तू नहीं मानेगी तो जान जाएगी उस बुड्ढे की। बेटी इसकी बातों में मत आना, चाहे मेरी जान चली जाए। जा बेटा, चौधरी साहब की और इस गांव की इज्जत बचा ले। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम तैयार हो इस शादी के लिए? नहीं नहीं, रुको, ऐसा मत करो, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हेलो, कोई भी बिना जायदाद अंदर नहीं जा सकता है। शादी हम लोग देखने के लिए नहीं, रुकवाने के लिए जा रहे हैं। हट जाओ हमारे रास्ते से। हमें जो लिस्ट मिली है वही लोग शादी के अंदर जा सकते हैं, एंड दैट इज ऑर्डर। परमेश्वर चोरी से शादी करवा रहा है, वो कितना गिरा हुआ आदमी अभी आपके समझ में आ जाएगा। तमीज से बात करो, वो यहाँ के मंत्री है, समझे? मंत्री किसके लिए? तेरे लिए होगा मंत्री, हमारे लिए दोषी है, गुनहगार है। हमारे गाँव में आकर हमारे आदमी को मारकर दादाजी को जबरदस्ती उठा कर ले गया, और भगवान की बीवी को जबरदस्ती ले जाकर दूसरे से शादी करवा रहा है। जब तक हमारी जान है हम ऐसा नहीं होने देंगे। चुपचाप से पीछे हट जाओ वरना मुझे मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ेगा। हम देखते हैं, चलो रे, चलो चलो चलो, देखते हैं। Thank you.
पंडित जी जरा जल्दी कीजिए ना। तू भगवान, तू इधर क्यों आया है? क्यों झगड़ा कर रहा है? मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ। पागलों जैसी बातें की ना तो जान से मार डालूंगा। कौन है तेरी पत्नी? मैं हूँ इसकी बीवी। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? निकालो इस पागल को यहाँ से। बेटा तू बैठ, पंडित जी इधर आइए। योजी, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बेटी का किसी ने किडनैप किया है। किडनैप किया बोलकर मुझसे झूठ बोला, किसी और की झूठी के साथ मेरे बेटे की शादी करवा रहे हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। उस पागल की बातों पर आप क्यों विश्वास कर रहे हैं? पर बेटी तो पागल नहीं है ना? वो बात नहीं है। बस मेरे से राजनीति मत खेल, फ्यूचर नहीं रहेगा तेरा। चल रहे चल दर। भगवान चल। भगवान भगवान नहीं बेटा, मत मारो इसे, छोड़ दो। नहीं दादाजी, ऐसे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। भगवान, मैं कहता हूं हथियार फेंक दो, फेंक दो। मेरे दादाजी की दया की वजह से बच गया, अभी तो इंसान बन के जी। थू, भगवान! इंसान की पत्नी बनकर मैं दुनिया से जा रही हूँ। मेरा ये सौभाग्य है कि मैं सुहागन मर रही हूँ। दे दे मेम साहब, माधवी
भगवान, मुझे वचन दो। क्या मैम साहब? जाते जाते मैं अपनी बहन को अनाथ करती जा रही हूँ, तुम इसे अपने दिल में छुपा कर इसे प्यार दोगे ना? बोलो, वचन दो। हाँ मैं वचन देता हूँ मेम साहब। माधवी, दीदी, मेम साहब, दीदी,